हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आज हम पढ़ेंगे ही, सी, हिज और हर के बारे में। बच्चे गलतियां यहाँ करते हैं कि वो ही का सी और सी का ही बना देते हैं, तो उन्हें समझाना जरूरी होता है कि कैसे वो ठीक करें। देखिए, ही का यूज़ कहाँ होता है? एच ई ही का यूज़ होता है मेल पर्सन या फिर मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मेल पर्सन में हमारा आ गया बॉय, मैन, ब्रदर, हस्बैंड, सन, ये सब। इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ये है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो इसका ही है यानी कि वह आया है मेल पर्सन के लिए, बॉय के लिए, मैन के लिए। ठीक है, वह एक किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेल पर्सन ही है, तो ही आता है हमारा मेल पर्सन के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो ही इज रीडिंग अ बुक, ये हमारा हो जाएगा। ओके, चाहे वो बॉय है, मैन हो, ये सब कुछ भी हो। ओके, अब है ही प्लेस क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल है ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ही जब हमारा आया है, इसका मतलब है कि बॉय है, हम किसी बॉय है। दिस इज रोहन। ठीक है, यह रोहन है। अब रोहन तो जनरली किसी बॉय का नाम होता है, मेल पर्सन का ही नाम होता है, चाहे वो मैन हो, बॉय हो, कोई भी हो, मेल पर्सन ही होते हैं। तो अब ज़रा ये बताइए कि यहाँ पर हम क्या फील करेंगे। जैसे डैश, यहाँ खाली स्थान है, इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वन, तो ही यूज़ करेंगे या फिर सी यूज़ करेंगे? तो ही यूज़ करेंगे, क्योंकि रोहन नाम है जो कि मेल पर्सन का नाम है, किसी बॉय का नाम हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या यूज़ क्या फील करेंगे? एच ई ही, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वन। ओके, अब ये है, दिस इज मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम। अब यहाँ भी क्या आ गया हमारा? यहाँ भी किसी मेल पर्सन यानी बॉय, मैन, ब्रदर, सन, कोई भी है, दिस इज मिस्टर श्याम, ये मेल पर्सन को बता रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारा इसी से रिलेटेड है, दिस इज मिस्टर श्याम और ही इज रोहन्स फादर हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर श्याम है जो कि मेल पर्सन है और वह रोहन के पापा हैं, तो ही हो जाएगा, ही इज रोहन्स फादर। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ही के बाद जनरली ही हो या फिर सी हो, उसके बाद जनरली एक्सिलरी वर्ब यानी कि इज का यूज़ होता है, या फिर मेन वर्ब या एक्शन वर्ब का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर ही इज रीडिंग अ बुक है, तो ये एक्सिलरी वर्ब हमारा यूज़ हो रहा है, इज। अब यहाँ पर ही प्लेस क्रिकेट है, तो प्लेस क्या हमारा एक्शन वर्ब हो गया, तो एक्शन वर्ब यानी ही सी के बाद हमेशा एक्सिलरी वर्ब या एक्शन वर्ब, किसी न किसी वर्ब का यूज़ होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि सी का यूज़ कहाँ होता है। सी का यूज़ होता है फीमेल पर्सन यानी फेमिनिन जेंडर के साथ, जैसे गर्ल, वुमेन, मदर, सिस्टर, डॉटर, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सी का यूज़ करेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है, सी इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है। क्या ये सही है, वह इंग्लिश सीख रहा है? नहीं, क्योंकि सीख रहा है, वह सीख रहा है, इसके साथ हम जनरली ही का यूज़ करते हैं, क्योंकि सीख रहा है मेल पर्सन के साथ यूज़ होगा, और मेल पर्सन के साथ एच ई ही का यूज़ होता है वह के लिए। तो यहाँ यूज़ हुआ है सी, सी यानी कि फीमेल पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए वह इंग्लिश सीख रही है, ये होगा। ओके, अब इसे देखिए, दिस इज गीता, यह गीता है, डैश वेन टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या होगा? गीता किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सी वेन टू स्कूल, वह स्कूल गई, तो सी वेन टू स्कूल। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज माय मदर, ओके, ये मेरी माँ है, डैश इज अ टीचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माय मदर है, मदर यानी कि फेमिनिन जेंडर है, फीमेल पर्सन है, तो यहाँ मदर है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? सी का यूज़ करेंगे, सी इज अ टीचर। अब ये सेंटेंस देखिए, माय टीचर इज़ वेरी नाइस पर्सन, तो यहाँ टीचर है, इसका मतलब ये तो नहीं पता चल रहा है कि मेल है या फिर फीमेल है, मतलब ठीक है, ये तो टीचर से तो ये पता नहीं चलता है। अब हाँ, अगर आप किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे फीमेल पर्सन है, फीमेल टीचर है, आप उसे इंडिकेट कर रहे हैं, तब आप सी का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप
मेल पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके जो टीचर हैं वो मेल पर्सन में आते हैं, तो आप ही का यूज़ करेंगे। तो यहाँ है माई टीचर, तो हम यहाँ पर ही और सी, मतलब ही या सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ही या फिर सी, क्योंकि टीचर से ये पता नहीं चल रहा है कि दोनों में कौन है, कौन मेल है और कौन फीमेल है। और अगर आप वैसे टीचर को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि मेल पर्सन है, तो आप लिखेंगे ही इज इंटेलिजेंट, या आप बोलेंगे ही इज इंटेलिजेंट। अगर आप किसी फीमेल टीचर को इंडिकेट करके बोल रहे हैं माई टीचर इज़ वेरी नाइस पर्सन, तो सी इज इंटेलिजेंट। ओके, बात करते हैं हिज और हर की, इसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। हिज जनरली यूज़ किया जाता है हमारा मेल पर्सन के साथ, ठीक है, और हर का यूज़ होता है फीमेल पर्सन के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिज को कैसे यूज़ करेंगे, कि पहला सेंटेंस है हमारा हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, यहाँ हिज का यूज हुआ है, इसका मतलब हम किसी बॉय या फिर मेल पर्सन को इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, मीन्स उसके फादर जो है वो डॉक्टर है, उसके पापा डॉक्टर हैं, ठीक है। तो हिज मतलब होता है उसका, उसके, ओके। अब देखिए हिज शर्ट इज न्यू, मीन्स उसका शर्ट जो है वो नया है, तो हिज यानी कि हम किसी बॉय को इंडिकेट करके बोल रहे हैं, मेल पर्सन को इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि हिज शर्ट इज न्यू, उसका शर्ट नया है। अब नेक्स्ट है हमारा दिस इज मोहन, यह मोहन है। अब दिस इज यहाँ फील करना है, दिस इज डैश बुक, ठीक है, दिस इज मोहन से ही रिलेटेड है हमारा दूसरा सेंटेंस, दिस इज फील करना है जो डैश बुक। तो मोहन हमारा मेल पर्सन है, जेंट्स पर्सन है, तो हम यहाँ लगाएंगे हीज, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, तो एच आई एस हिज होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, माई फादर इज अ पुलिसमैन, ठीक है, मेरे पापा पुलिसमैन है, डैश नेम इज मिस्टर सुनील सिन्हा, ओके। तो यहाँ हम हिज का यूज करेंगे या फिर हर का यूज करेंगे, तो पुलिसमैन है कौन, माई फादर, तो माई फादर जो है वो मेन पर्सन है, इसका मतलब हम यूज़ करेंगे हिज का, तो हिज नेम इज मिस्टर सुनील सिन्हा, तो हम क्या लिखेंगे हिज, एच आई एस, हिज नेम इज मिस्टर सुनील सिन्हा। यहाँ भी मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह से मैंने बताया था ही सी में वर्ब के साथ यूज़ होता है, ही सी के बाद वर्ब का यूज़ होता है, या एक्सिलरी वर्ब हो या फिर एक्शन वर्ब हो, उसी तरह हीज जो है वो हीज हर वो उसके बाद नाउन का यूज़ होता है, किसी ना किसी नाउन का यूज़ होता है, जैसे हीज फादर नाउन हो गया, हीज शर्ट नाउन हो गया, फिर दिस इज़ हीज बुक नाउन हो गया, तो हीज हर के बाद नाउन का यूज़ होता है। चलिए अब हम हर का यूज़ देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है दिस इज सीला, सीला किसी गर्ल का नाम है, ओके, और हमें यहाँ फील करना है ड्रेस इज वेरी नाइस, ड्रेस ड्रेस इज वेरी नाइस, तो उसका ड्रेस बहुत अच्छा है, तो यहाँ हिच तो होगा नहीं, हिच नहीं होगा, तो हर ड्रेस इज वेरी नाइस, यहाँ हो जाएगा हर ड्रेस इज वेरी नाइस, तो हर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ये ड्रेस है हमें यहाँ भी फील करना है, ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जैसे हम किसी गर्ल को देख करके बोल रहे हैं कि उसका जो भाई है बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ गर्ल को देखकर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हर, हर ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसका भाई बहुत इंटेलिजेंट है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, दिस इज़ मिसिज रोहिणी सिन्हा, ठीक है, ये मिसिज रोहिणी सिन्हा हैं, डैश चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, उनका चाइल्ड बहुत क्यूट है, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ हो जाएगा, रोहिणी है तो इसका मतलब फीमेल पर्सन है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हर, हर चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, उनका बच्चा जो है बहुत क्यूट है। अब हमारा सेंटेंस दिस इज डेस बेबी, यानी कि जो बेबी है वो मिसिज रोहिणी सिन्हा से रिलेटेड है, यह उनकी बेबी है, तो हम लिखेंगे दिस इज हर बेबी। बच्चे ही सी हिज हर में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।